नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया की। पाकिस्तानी मीडिया भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को सुलझाने की वकालत कर रही है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वो सबसे नेक काम है। दरअसल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच आई नरमी की नसीहत अब पाकिस्तानी मीडिया भारत को दे रहा है और कह रहा है कि इससे कुछ सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान के एक अखबार डेली टाइम्स के मुताबिक उन्होंने एक संपादकीय में सवाल किया है कि दोनों देशों के नेता यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो मुखिया हैं, वो इस मामले का मतलब इस गतिरोध का हल क्यों नहीं निकालते। बीते 70 सालों से लोग इस मसले पर पीस रहे हैं, यानी कि दोनों देशों के लोग इस बीच पीस रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, डेली टाइम्स अखबार है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक ये खबर छापी गई है। वहीं पाकिस्तान के दूसरे अखबार डॉन के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के मूल रूप से तनाव अलग तरीके के हैं, लेकिन दोनों कोरियाई देश यानी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो हालात हैं वो अलग हैं, इसलिए उनके बीच सब कुछ नरमी आ गई उनके संबंधों में, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंध ऐसे नहीं बन सके। लेकिन उनका कहना है कि दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, सब लोग अच्छे से मिलकर रहे। उम्मीद है कि पाकिस्तानी मीडिया जो सलाह भारत को दे रहा है वो सलाह पहले अपने देश के सत्ताधारी लोगों को दे जो आतंकवाद को अपने देश में पनाह दे रहे हैं। उम्मीद है अगर पाकिस्तानी मीडिया ऐसा करती है तो जरूर दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो जरूर अच्छे होंगे। और अधिक खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिल्ली 99।